आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि पूरे चैप्टर से पूरी गणित से मिक्स हैं। इनकी संख्या लगभग 15 से 20 के बीच में रहेगी जो कि हर बार रेलवे की हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इनका एक ओवरव्यू देता हूं। जैसे कि एक ये सवाल है, आप इसको देखिए, फिर ये अगला सवाल, ये मूल वाला है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है ना जो कि हर एक शिफ्ट में लगभग लगभग पूछे ही जा रहे हैं। तो चलिए मैं इनको आपको सॉल्व करने की बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं और आप देखिएगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कहता है निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस एक सारणी का आपको बहुलक निकालना है। क्या करना होगा, सबसे पहले आप समझिएगा, बहुलक निकालने के लिए यह फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। ये फॉर्मूला होता है जिसका इस्तेमाल बहुलक निकालने के लिए होता है। अब हमें यह देखना है कि यहां पर एल एल क्या है, एफ वन क्या है, एफ जीरो क्या है, एफ टू क्या है और एच क्या है। इन चीजों को समझना, यहां पर मैंने लिख दिया, आप समझना। जो सबसे ज्यादा बार आया है बारंबारता में, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो F1 होगा, यानी सबसे ज्यादा बार आया है 20, ये F1। इसके ठीक ऊपर लिखी हुई संख्या F0 और इसके ठीक नीचे लिखी हुई संख्या F2। इसका काम खत्म कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। अब इसके सामने जो F1 के सामने जो अंक लिखे हैं वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल में इसमें पहला वाला LL यानी कि लोअर लिमिट, दूसरा वाला हायर लिमिट यानी कि इसको आप कुछ भी और कह सकते हो, नाम दे सकते हो, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है यानी कि दो, वो होगा h। हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, काम खत्म करना। लोअर लिमिट कितनी है, 6 प्लस f1 में से f0 को घटाते हैं, 20 में से 8 गए, 12 बचा। फिर उसके बाद 2f1 में से f0 और f2 को घटाते हैं, तो 2f1 का मतलब 20 दूनी 40 और इसमें से F0 और F2 को घटाएंगे तो 20 घटा लेंगे, तो 40 में से 20 जाएंगे, 20 ही बचेगा। साथ में H लिखा है जो कि अंतर कितना दिया था, 2। लिमिट का जो अंतर है 6 और 8 का जो अंतर है वो 2 है, 2 से ये कट गया 10 बार में। अब अगर मैं 10 से इसको डिवाइड करूंगा तो 1.2, 6 प्लस 1.2 मिलकर आ जाएगा 7.2, यानी कि अगर इसका जो बहुलक पूछा गया है आपसे, मोड पूछा गया, वो क्या आ जाएगा, 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि एक मूल अगर 3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। अगर मूलों के योग की बात की जाए तो मूलों का योग होता है माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि ये आ जाएगा प्लस का 9, करेक्ट है, प्लस का 9। अब इसमें अगर मान लीजिए अल्फा 3 है तो अल्फा में ऐसा क्या जोड़े कि हमें मूलों का योग 9 मिल जाए, तो आप क्या कहोगे, बीटा का मान क्या होगा, 6 होगा, यानी जो दूसरा मूल होगा वो क्या होगा, 6 हो जाएगा। क्या होगा, 6। के का मान पूछता तो अल्फा इंटू बीटा का इस्तेमाल करते, लेकिन नहीं पूछा है तो अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो बता भी देता हूं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, यानी कि ये सिर्फ के ही रहेगा। क्या रहेगा, के। अच्छा, अल्फा आपके पास 3 है, बीटा आपने 6 निकाल लिया, तो 6 × 3 करके आप के का भी मान निकाल सकते थे कि के का मान 18 आ जाएगा, जहां जरूरत पड़े वहां इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीवी की कीमत प्रिंटर की कीमत से 3500 कम है तथा प्रिंटर की कीमत टीवी की कीमत से 2 गुना है। प्रिंटर की कीमत जो है वो टीवी की कीमत का 2 गुना है, तो प्रिंटर अगर 1 तो टीवी 1 तो प्रिंटर 2। अच्छा, टीवी की कीमत प्रिंटर की कीमत से 3500 कम है, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है 1, वो किसके बराबर होगा, 3500 के। आपसे क्या पूछा, आपसे कहता है टीवी की कीमत क्या होगी, टीवी की कीमत पूछ रहा है, तो टीवी की कीमत मुझे 1 के ही अनुपात में दिख रही है और 1 का मान क्या है, 3500, तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा, 3500, ठीक। नेक्स्ट आते हैं। यहां पर n की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए, आपको समझ में आता है कि अगर a की पावर n और a की पावर m लिखा हो, अगर यानी कि अगर आधार बराबर है तो घात क्या हो जाती है, जुड़कर ये हो जाता n प्लस m। आधार बराबर होने की स्थिति में घाते क्या होती है, जुड़ती है, तो ये जुड़ जाता। तो यहां पर भी सबका आधार क्या है, 5 है, तो 4 × 3 = 7 और 2 = 9, यानी कि 5 की पावर 9 जो होता वो 5 की पावर n के बराबर होता, तो आप कहते कि n का मान क्या आ जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आइए अगले सवाल पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कार की चाल पहले 2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है, फिर प्रत्येक 2 घंटे में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, उसने 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो अगर कोई कार पहले 2 घंटे तक 60 की रफ्तार से चलती है तो उसकी दूरी जो तय होगी 120 होगी। फिर क्या हुआ कि इसकी रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ गई, 75 हो गई, तो अगले 2 घंटे अगर ये 75 के हिसाब से चलेगी तो 150 चल लेगी। अब समझो यहां तक कितनी दूरी तय हो गई, 270।
हमें तय कितनी करनी थी, 360, यानी कि 90 अभी बाकी है, केवल 90 किलोमीटर और तय करना बाकी है। अब 2 घंटे के बाद इसकी चाल फिर 15 बढ़ गई तो 90 हो गई। अब चाल 90 है और दूरी भी 90 ही तय करनी है, तो यानी इसका मतलब 1 घंटे ही तो तय करना होगा, चलना होगा। समय कितना लगा, 2 घंटे, 2 घंटे और 1 घंटे, यानी कि 5 घंटे में टोटल जो है 360 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। अगले सवाल पर आते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, इनका अंतर 28 है और यहां पर अनुपात का अंतर 2 है, तो 2 का मान अगर 28 है तो 1 का मान होगा भाई साहब 14, और यदि 1 का मान 14 हो गया तो आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 14 7 98, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 98। ठीक, ये वो सारे सवाल हैं जो पूछे गए, और ऐसे ही सवाल लगातार शिफ्टों में लगातार चलते चले आ रहे हैं। इसका मान पूछ रहा है बोर्ड मास के नियम से, 120 + 10 = 130, गुणा करना है 320 में से 20 घटा के यानी 300 से, और 20 जोड़कर 2 से विभाजित करना, तो ये जब जोड़ेंगे तो अपने पास 39,000 आएगा, 39,000 में 20 और जोड़ लेंगे तो अपने पास 39,020 आ जाएगा। अब इसको अगर मैं 2 से विभाजित करता हूं तो देखिए क्या आएगा, 2 से 19 बार ये, यानी 195 10 अपना आंसर हो जाएगा, यानी 2 से डिवाइड करने पे अपना आंसर 19510 बनेगा। कहां लिखा है 19510, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सारी चीजें जिसमें कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों शामिल होती हैं, कैलकुलेशन को कहां से शुरू करना है, कहां खत्म करना है, सवाल कहां से उठाने, सारी चीजें सीखे। 396 सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात यह है, अगर 1 रुपए के सिक्के इस अनुपात में हो तो 5 बनेगा, 8 50 पैसे के हो तो 4 रुपए बनेंगे, और 12 अगर 25 पैसे के हो तो 3 रुपए बनेंगे, तो 5 4 9 और 3 12, ये किसके बराबर, 396 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 3 36 12 3 36, 1 यूनिट का मान 33 आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या किस अनुपात में थी, 8 33 × 8, 8 3 24 4 2, 8 3 24 और 2 26, यानी कि 264 सिक्के होंगे किसके, 50 पैसे वाले, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल, 1280 का 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 5% की दर से 3 वर्ष के ब्याज की बात कर रहा है, यानी 15% ब्याज मिलेगा, और 15% का मान होता है 3/20, कितना होता है 3/20। अब 1280 का अगर मुझे 3/20 निकालना है तो मुझे लगता है कि यह बहुत कठिन काम नहीं है, 0 से 0 2 से काटेंगे तो अपने पास यहां पर क्या आ जाएगा, 56 58 128 का 6 और 64 64 × 3 अगर करते हैं तो 180 और 12 192 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 192, ब्याज कितना मिल गया 192 रुपए। आइए अगले सवाल को देखते हैं। ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, औसत चाल पूछ रहा है भैया, औसत चाल ऐसा मत करना, 2xy/x + y, यानी कि 160, 0 से 0 खत्म, 2 से 8 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 4 बार में। अब देखो जरा, अगर मैं देखूं तो ये होगा 50 × 6 150, और 150/4 अगर करते हैं, 150/4 करते हैं तो 37.5 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि जो एवरेज स्पीड बनेगी वो 37.5 बनेगी। कुछ गड़बड़ है क्या, जरा देख लो, 2xy/x + y, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो, अच्छा ठीक है, 2xy/x + y, यानी कि 160, 100 और 60 है ना, ठीक है, 0 से 0 का काम खत्म हो गया, 2 से काट लीजिए 8 बार, 2 से काट लीजिए 50 बार, 2 से इसको काट दो 4 बार, 50 × 6 अगर देखा जाए तो 300 होता है, और 300/4 का मतलब 75 होगा, कितना होगा 75, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल होगी। ये सवाल भी गलत होने की गुंजाइश होती है, मत करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। ए 100 अंडे 4 मिनट में गिनता है, तो अगर ए जो है 100 अंडे गिनता है 4 मिनट में, तो इसका मतलब वो 25 अंडे प्रति मिनट के हिसाब से गिनती कर रहा होगा। अच्छा, बी क्या करता है, बी 100 अंडे गिनता है 5 मिनट में, बी कर लेता है 100 अंडे 5 मिनट में, यानी कि ये 20 अंडे प्रति मिनट के हिसाब से गिन रहा होगा। कहता है दोनों मिलकर 450 अंडे कितनी देर में गिनेंगे। अब हम देखें कि दोनों मिलकर अंडे कितने गिनते हैं, तो आप कहोगे 45 अंडे जो है प्रति मिनट के हिसाब से गिनते हैं दोनों,
और अगर इनको 450 अंडे गिनने हो तो कितना समय लगेगा? बोलेंगे सर 10 मिनट लगेगा, सवाल खत्म। ऑप्शन नंबर पहला आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा पहला? तो देखिए अगला सवाल क्या है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। यहां से मुझे x का मान, यहां से y का मान मिलेगा। 12 गुणे 12 144, 144 को 9 से भाग देंगे तो अपने पास आएगा 16, x का मान हो गया 16। यहां से देखते हैं 28, यानी कि 7 चौकों से 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, y का मान आ गया 112। ठीक, बाहर का बाहर से गुणा अंदर का अंदर से, ये बात समझ पाए ना, बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से, बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से, x और y दोनों के मान आ गए, इसका मान चाहिए। तो 112 और 16 अगर मिलकर देखेंगे तो 128, और 128 में 200 का गुणा कर देंगे तो 256 अपना उत्तर हो जाएगा, 256। बी इज राइट आंसर। कौन सा? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आओ, तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, उनके वर्गों का जो योग इतना है, संख्याओं का योग क्या होगा? वर्गों का योग है तो ये 9x², ये 49x² और ये 64x², ये किसके बराबर है? ये है 7808 के बराबर। अब जरा जोड़िए, तो जरा अगर मैं यहां पर जोड़ू तो 64 और 9 कितना हो जाएगा? 73। 73 और 49 को अगर मैं जोड़ लेता हूं तो 9 3 12, 2 7 4 11, 1 12, यानी 122 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 122x², और ये किसके बराबर है? 7808 के। किसके बराबर है? 7808 के। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, 2 से काट कर, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 में 18, 2 चौको 8, यहां पर x² और है। 61 से कितनी बार कटेगा? ध्यान से समझने की बात है। मैं बोला 3904 लिखा है अपने पास, इसको मुझे 61 से डिवाइड करना है और बताना है कितना। मैं 5 बार डिवाइड कर लेता हूं, 5 एकम 5, 5 छक्के 30। एक बार अगर और भी कर लेंगे ना तो भी काम बन जाएगा, 6 बार अगर कर लेंगे तो भी काम बनेगा, 6 एकम 6, 6 चरंग 36। ये देखिए तो यहां पे बचेगा 4, 8 में 6 जाएंगे 2, 24, और यहां पर ये आ जाएगा। अब 4 बार और कर लें, यानी कि 64 बार ये टोटल डिवाइड हो जाएगा। इससे इसको 64 बारी में टोटल डिवाइड कर सकते हो तो x का मान आएगा 8। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, x का मान 8 आ गया, तो इन तीनों का जो योग है 8 7 15 और 3 18 बन रहा है। 18 गुणे 8, 18 8 144 होता है, तो संख्याओं का योग कितना बनेगा? 144। क्या बन जाएगा? 144। ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि ग्रुप डी की परीक्षा में लगातार हर बार रोज रोज पूछे जा रहे हैं, इसी प्रकार के सवाल आपने देखे भी होंगे। तो ऐसे सवालों की मैं आपके लिए एक श्रृंखला रखूंगा जिसमें आपको मैं ऐसे सवालों से रूबरू कराऊं और ये बताऊं कि ऐसे सवाल कैसे होते जाते हैं, तेजी से कैसे होंगे, कहां से सवाल शुरू करना है, क्या शॉर्ट ट्रिक लगानी है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, जय हिंद।